हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उगाया जाने वाला पौधा कौन सा था? ऑप्शन है आलू, टमाटर, मिर्च, कपास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कपास। चंद्रमा पर सर्वप्रथम कपास का पौधा उगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में सर्वाधिक चांदी के भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मंदिर है? ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में सर्वाधिक मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है चीन, इटली, जापान, दक्षिण अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली। इटली में खून की वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है अर्जुन, राहुल, बुद्ध, सिद्धार्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इंदौर। इसका सही जवाब होगा इंदौर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में केवल दो जिले हैं? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, गोवा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में केवल दो जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है? ऑप्शन है IAS, IPS, IFS, RAS। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसे हम एमएसटर भी कहते हैं। ये नौकरी UPSC टॉप करने वालों को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रावण का मंदिर है? ऑप्शन है दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में रावण का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।